नमस्कार किसान साथियों, किसान साथियों मिलते हैं एक बहुत ही आधुनिक एडवांस खेती करने वाले किसान से जो गन्ने के साथ में सह फसली ले रहे हैं और गन्ने से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। मिलते हैं किसान से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो आप जैसे हो गन्ने के साथ में सह फसली ले रहे हैं, तो आपने अमरूद लगाया हुआ है, तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी दो। ये कौन सी वैरायटी है? ताइवान पिंक वैरायटी है। ताइवान पिंक वैरायटी। ताइवान पिंक और वाइट दोनों ही है। अच्छा जी। ए बुली, ये देखा है, डॉगी पड़ा हुआ है या खेत में रहते हैं अक्सर रखवाल के लिए, अपने पैरा देता है डॉग इनका। हाँ जी, 13-14 महीने का लगा हुआ होगा खाली। अच्छा अच्छा। हाँ, पिछले साल बुहेर में बोया था। आज बुहेर बोई ना, जब पौधा था इसमें पिछले साल। हाँ, पौधे में बोया आयो। अच्छा जी। हाँ। तो फिलहाल अब ये बाग तैयार हो गया और ये पेड्डी भी है। हाँ। देखिए साथियों, पेड्डी 38 की पेड्डी है, इन्होंने जड़ से कटवाई थी, काफी अच्छी पेड्डी हो रही, कोई कीट का कोई प्रकोप नहीं दिख रहा, कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा, और अमरूद भी तैयार हो चुका है, सह फसली ले रहे। और आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है, आगे चलते हैं साथियों। बहुत ही जल्द बाग भी तैयार कर दिया। तो जी से अब आगे पेड्डी को रखोगे इसमें? पेड्डी तो अब तो ना रखी जावे, अब कई गन्ने का लोभ आया गया इसका। अच्छा जी, थोड़ा सा यूरिया तो गन्ना खत्म कर देंगे अगली बार। कुछ किसान जो किसे जुड़े हुए हैं ना गुड़ के। और ये देखे किसान भाइयों, यह है वरायटी 0118 ही तो है जी। ये देखे 30 इंच पे, फिर बीच में 60 इंच खाली है और फिर 30 इंच। ज्यादातर हमारे किसान भाई देखते हैं उनकी पेड्डी नहीं फूटती जी 18 की, लेकिन यहाँ पे देखे कितनी बेतुकी पेड्डी फूट रही है। दोबारा की है तो एक बार दोबारा की जी काट दी ना पहले, हमने सगले जो कीड़ा लग गया इसमें। अच्छा जी, एक दोबारा से कटवा दिया फिर। हाँ तो देखिए साथियों, दोबारा काटने के बावजूद भी कितनी बढ़िया टीलरिंग, कितना जमाओ फुटाओ पेड्डी में कमी देखने को मिलता है। तो पता हो जाए तेरा क्या रहा है। देखे झुंड के झुंडे डॉगी ज्यादा इनका लाड़ कर रहा है जी। खत्म हो गया खेत बिल्कुल। ये देखे साथ ही नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे, एक ही झुंड में कितने कितने पौधे इसमें 18 के मोल रहे। अब आगे चलते आगे देखते हैं। और ये देखे इनकी पेड्डी तैयार है जी इधर, ये भी इन्होंने 5 छूटे बो रखी, एक एक मैडे में एक एक पूरी करना तैयार है जी फिलहाल। तो साथियों हमारा मकसद भी होता है नई नई जानकारी हम आप तक पहुँचाए और इसका हमारे किसान भाई लाभ उठाएं, जो भी अच्छा लगे किसानों को उसे अपना सकते हैं। ये देखे साथियों नज़दीक से दिखाएंगे, कितना ज़बरदस्त मेड़ा है और बीच में खाली पड़ा, बहुत ही लाजवाब पेड्डी तैयार है जी। ये देखे साथियों इनकी यहाँ पर ट्यूबवेल चल रही, पानी चल रहे खेतों में, ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने। हाँ, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर रखी। और ये देखें अब आगे आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये पेड्डी है जी। हाँ जी पेड्डी है। देख के साथ पेड्डी भी तैयार, साथ में बैंगन भी। तो ये बैंगन कब लगाए थे जी? दो महीने पहले बैंगन लगाए थे। देखे साथियों कितना अच्छा फूल भी है, फल भी है और फूल भी है। ये तैयार हो चुके हैं बैंगन यहाँ पे, एक एक पौधे से चार चार पच पच बैंगन फिलहाल तैयार है। और 38 की पेड्डी है जी। 38 की पेड्डी। देखे साथियों बिल्कुल रोग मुक्त, एक एक मैडे में कितने कितने गन्ने हैं, जहाँ आजकल रोग पीछे नहीं छोड़ रहा 38 वैरायटी का, यहाँ पर कोई रोग दिखाई नहीं देगा आपको। तो साथियों आप खुद दे सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितने जागरूक और प्रगतिशील हैं। सबसे मैं दिखाई दे वहाँ से तुम्हारे से पत्ते में चौड़ाई का फर्क, बहुत चौड़ाई का फर्क है जी है? आपके पत्तों में लटक अभी से ही चालू है और हरापन काफी है। हाँ जी। तो किसान भाइयों जब तक ये पेड्डी कटेगी तैयार होगी, उससे पहले ही कई तोड़ बैंगनों से हो जाएंगी और अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया बैंगन तैयार हो रहे हैं, ये देख सकते हैं साथियों। तो जो भाई हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें साथियों। नमस्कार।